रही हूं, बस भी करो, कितना नाटक करोगी हम? सब लोग जानते हैं कि तुम अपनी बहन बुलबुल से कितना प्यार करती हो। क्यों क्यों कर रही हो ये नाटक? यहां पर कोई नहीं, किसे दिखाने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारी बहन के मरने से तुम्हें तकलीफ हो रही है? मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मेरी बात का जवाब दो। मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना। अगर जवाब नहीं देना है तो दरवाजा खोलो और बाहर जाकर सबको अपनी असलियत बताओ। सबको यही लग रहा है कि तुम्हें फर्क पड़ रहा है, कि तुम चाहे जितनी भी बदली हुई हो, तुम्हें तुम्हारी बहन के मरने से फर्क पड़ता है। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी असलियत क्या है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, तुम फीलिंग लेस हो। और जब जब किसी के अंदर का इमोशन खत्म हो जाता है ना, तो उसे किसी के खत्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी को कुछ नहीं समझाना, जो जो सोचना चाहता है सोच सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मेरे हाल पे मुझे छोड़ दीजिए। अगर अकेले ही रहना था तो तुम इस कमरे में क्यों आई? क्यों नाटक करी हो मेरे सामने? मुझसे सिंपैथी चाहिए ना? मुझे किसी की कोई जरूरत बोल रही हो तुम? तुम ये सब हमदर्दी के लिए कर रही हो। मेरे सामने इस तरह आंसू बहा रही हो क्योंकि तुम जानती हो कि मैं इमोशनल हूं ना, इसलिए मेरे सामने नाटक कर मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो तुम। लेकिन जिसे तुम मेरी कमजोरी समझ रही है ना, वो मेरी ताकत भी है। मैं इमोशनल हूं इसलिए मुझे सच्चे और झूठे इमोशन के बीच का फर्क समझ में आता है। अब बंद करे नाटक कर, चलो बाहर। मुझे कहीं नहीं जाओ। मैंने कहा बाहर चलो, सबको अपनी असलियत बताओ। मुझे किसी को कुछ नहीं कहना। जाना पड़ेगा। मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ? अगर समझ नहीं सकते कम से कम मेरी बात सुन तो लीजिए। कोई क्या सोचता है क्या समझता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो तकलीफ मुझे हो रही है उसकी वजह मैं खुद हूँ। इसलिए ये तकलीफ मुझे अकेली सहना है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। आप प्लीज प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल। Oh, my God.